केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। पंचायत चुनाव के लिए बिहार में अधिसूचना जारी हो चुका है, नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इस बार पंचायत चुनाव को पारदर्शी रखा जाएगा, इसलिए पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल किया जा रहा है और कड़ी से कड़ी सुरक्षा का प्रबंध किया जा रहा है। हमारे संवाददाता की टीम बिहार के पंचायतों में जाकर चुनाव की तैयारी का जायजा ले रही है। फिलहाल वो बहेरा पंचायत में है, जहां पर उनसे बातचीत हुई है ऋषिकांत शाह से, जो वर्तमान मुख्य है। आइए बातचीत कर जानते हैं कि इस बार के पंचायत चुनाव में क्या हाल है, किस तरह से लोग तैयारी कर रहे हैं और उनकी क्या तैयारियां हैं और किन योजनाओं को लेकर चुनाव में वो सब लोग लेकर चल रहे हैं, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स, मैं हूं ओंकार झा। बांका प्रखंड के बहेरा पंचायत में यहाँ के वर्तमान मुखिया ऋषिकांत शाह जी से कुछ खास बातचीत करते हैं। जी नमस्कार सर, आप यहाँ पे पिछले 5 साल से मुखिया हैं, वर्तमान में भी मुखिया हैं, आपके द्वारा 5 साल में क्या क्या काम किया गया है? मेरे द्वारा तो सरकार का जो गाइडलाइन था, जैसे 7 निश्चय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन योजना, सारे को धरातल पे लाया गया है और 100% लाभ मिला है मेरे पंचायतवासियों को। आपके द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना कितना पास करवाया गया होगा? मेरे यहाँ लगभग 600 प्रधानमंत्री आवास योजना पास कराया गया। वृद्धा पेंशन लगभग 700 समथिंग। शौचालय का हमारा पंचायत ODF है, ये बांका प्रखंड के पहला पंचायत है जो ODF है और 2018 में ये ODF हो गया। विकलांग पेंशन कितना दिया गया होगा? विकलांग पेंशन हमारे यहाँ लगभग 40 के लगभग। विधवा पेंशन? पेंशन सारा मिला के 700 है। अच्छा, रेट बता नहीं सकते हैं अलग अलग क्या कितना। अच्छा, सड़कें कितनी बनवाई गई होगी? मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत प्रत्येक गांव में लगभग जितने भी गली नली हैं सारे बना गए हैं, सारे सड़कें बना दी गई। हाँ, नली गली 1-2% कहीं कहीं कम बेसी हुआ है, जो कि इस सत्र में हो सकता है पूरा हो जाए। आप पिछले 5 साल से मुखिया हैं और अभी भी वर्तमान में हैं, आपके द्वारा कोरोना काल में क्या क्या काम किया गया है? कोरोना काल में जो सैनिटाइजर का काम था सरकार का निर्देशानुसार, प्लस यहाँ पे जो एक खोला गया था कोरोना पेशेंट को रखने के लिए सेंटर खोला गया था, उसमें रखने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था सारा किया गया था। यहाँ पे सभी को मास्क दिया गया था, साबुन दिया गया था, सैनिटाइजर बांटा गया था। आपके पंचायत में गर्ल्स हाई स्कूल की व्यवस्था है? नहीं, हमारे यहाँ एक हाई स्कूल है, गर्ल हाई स्कूल नहीं है। तो उस गर्ल्स हाई स्कूल की व्यवस्था को कैसे देखेंगे अगर आप इस बार दोबारा चुनाव जीतते हैं, जीत के मुखिया बनते हैं, तो कैसे देखेंगे उसको? नहीं, अगर ऐसा व्यवस्था होगा तो उसको भी देखेंगे, तो अच्छे देखेंगे और अच्छा होगा मेरे लिए भी कि और यहाँ के बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए कि उनकी व्यवस्था अलग होगी। आपके पंचायत में कुछ युवा ये कहते हैं कि खेल कूद के मैदान की भी व्यवस्था नहीं है, क्या ये सही है? नहीं, खेल कूद की व्यवस्था नहीं है, ये बात सही है, लेकिन इस गाइडलाइन अब की बार जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। बांका प्रखंड के बहेरा पंचायत में बहेरा पंचायत के कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं, यहाँ पे इनकी समस्या क्या है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रदुमन यादव हुआ। आप क्या करते हैं? किसान है। आप किसान हैं और मुखिया जी के काम से आप संतुष्ट हैं? यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं पूरा संतुष्ट हैं। उन्होंने क्या क्या काम किया है, जिससे उनका कुछ काम बताएं जिससे आप संतुष्ट हैं? वो एक ऐसा आदमी है कि आज पंचायत में जितना भी काम हुआ है, जैसे शौचालय ले लीजिए, इंदिरा आवास ले लीजिए, विधवा पेंशन ले लीजिए, सब चीज वो कम्प्लीट करके रखे हैं। इस बार क्या लगता है वो चुनाव बढ़िया से जीत रहे हैं? जीत रहे हैं। और तो ग्रामीणों का सपोर्ट है, ग्राम में काम हुआ है, बहुत काम से संतुष्ट है पूरा जनता। मुखिया जी के काम से आप संतुष्ट हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? रंजन कुमार। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट लाइफ में आपको मुखिया जी ने क्या सपोर्ट किया? बढ़िया सपोर्ट किया है। क्या कुछ तो बताइए, उन्होंने आपको बाहर पढ़ने के लिए भेजा था?
पैसे से सपोर्ट किया, पढ़ाई के लिए खर्चा दिए? फंड में तो सर तो दिया है, जैसे वो घर का पेंशन मिलता था। ठीक है, क्या नाम है दादा आपका? वृद्धा पेंशन मिलता है, प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है, शौचालय है, राशन कार्ड में भी नाम है। इस बार किसको वोट दीजिएगा? मुखिया को। मुखिया जी को देंगे, यानी मुखिया जी के काम से आप संतुष्ट हैं। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं आप? मनरेगा के तहत मुखिया जी आपको काम दिए हैं, वैसा टाइम पे मिला है, मुखिया जी के काम से संतुष्ट हैं? आप बहरा पंचायत के निवासी हैं, आप मुखिया जी के काम से संतुष्ट हैं? जी हाँ। क्या 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 काम किए हैं मुखिया जी, बताइए तो, चार पांच काम बताइए तो जो आपको अच्छा लगता है। गली नली काम करवाया, वो तो हर मुखिया करता है। और सब वो सब इंदिरा आवास सबको दिलवाया यहाँ पे। अच्छा, और तब फिर भी आप मुखिया जी के काम से संतुष्ट हैं? इस बार किनको क्या लगता है? मुखिया जी। मुखिया जी,